दोस्तों नमस्कार, मैं मास्टर रुपेश देवांगन आपका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई भी ब्लाउज बनाए, सिंगल कटोरी बनाए, डबल कटोरी बनाए, प्रिंस कट बनाए, बेट वाली जो भी ब्लाउज होती है तो बेट के ऊपर इस प्रकार से बस्ट रखा हुआ दिखना चाहिए, बेट दबा हुआ, बस्ट उभरा हुआ नजर आना चाहिए, तभी इसका फिटिंग सही माना जाता है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, ज्यादा नहीं, इसमें कुछ टेक्निक की जरूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 14.5 इंच इस ब्लाउज की लंबाई है, तो 5.5 इंच पर मार्किंग किया, दूसरा मार्किंग मैंने 6 इंच पर कर दिया। ओके, अब इसका नाप ही लिखते जाइए। इसका नाप है दोस्तों 15 इंच इसका शोल्डर है, सॉरी 15.5 इंच इसका शोल्डर है दोस्तों, बॉडी का नाप है। अपर चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 38 इंच है, 40 इंच है इसका फुल बस्ट और 34 इंच है इसका ये कमर। तो इस प्रकार से इसका नाप है। और इसका जो नेक डीप है, हम ज्यादा नहीं रख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर नेक डीप को 10 इंच रख रहे हैं, तो 10.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, अगर 10.5 इंच नेक डीप है तो शोल्डर के आधा में 2 इंच कम कर देते हैं हम। ये टेक्निक बहुत ही मशहूर हो चली है, बहुत सारे यूट्यूबर भी फॉलो कर रहे हैं इसको। हम 2 इंच कम कर दिए तो यहाँ पर 5.25 इंच शोल्डर बचता है। 38 इंच इसका फुल बस्ट है दोस्तों, इसका सीधा चौथा भाग लीजिए, 9.5 इंच, इसमें ना कुछ कम कीजिए ना ज्यादा कीजिए, ये इतना ही आता है। 34 इंच इसका कमर है, चौथा भाग होता है 8.5 इंच, 1 इंच के लिए भैया डांट के लिए आप एक्स्ट्रा कर दो। तो इस प्रकार से हो गया, मैं सस्तरी तौर में बता रहा हूँ कटिंग, ज्यादा इसमें पीछे का कटिंग, क्योंकि हमें यही बताना रहता है। थोड़ा सा हम इसको तिरछा कर देते हैं और ऐसे, ये देखिए आर्म होल को भी गुलाई दे दिए। आर्म होल की बात करें तो 16.5 इंच इसका हम तैयार आर्म होल रख रहे हैं। तो इसके लिए कुछ भी नहीं है, पहले तो आप इसका चौड़ाई दे दीजिए, तो 16.5 का आधा कितना होगा, 8.25 इंच आना चाहिए। ये थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है दोस्तों, अब ज्यादा क्यों आ रहा है, 0.5 इंच ज्यादा आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे। चलिए, मैंने इसका ये नाप ही गलत खींच दिया था शुरुआत में, इसको मैंने 5.5 इंच में खींचना था, ये 1/2 इंच हम ज्यादा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं कि हमारे कटिंग में इस प्रकार से आधा लिया जाता है, लेकिन अभी मैं अपने कटिंग को अपडेट किया हूँ। अब आर्म होल को जैसे मैंने यहाँ पर शोल्डर का था 8.25 इंच इसको आना चाहिए, लेकिन दोस्तों अक्सर शिकायत ये आती है, दूसरी बात तो बेल्ट चौड़ा हो जाता है, पहली बात तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर चौड़ाई बढ़ गई ना, और उसके बाद सामने की तरफ पीछे की तरफ भी झुकता है अक्सर, जो पीछे की तरफ होता है, इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, अब आर्म होल को आर्म होल के आधा में 0.5 इंच और ज्यादा कर देता हूँ, जैसे 8.25 है ना, इसको मैं 0.75 इंच बनाता हूँ, सामने का हिस्सा और पीछे का हिस्सा कम कर दूंगा। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो इसको पहले नाप लेते हैं। ये देखिए यहां पर ये करीब 0.75, मतलब थोड़ा सा 0.5 इंच कम कर दिए। अब इसको काट लेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको कटिंग कर लिया। अब इसके बाद इसका आप ये कर लीजिए, दो भाग में इस प्रकार से मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद आप इसे जितना हमने 1 इंच का दिया ना नाट, 1 इंच का लगा देंगे, और उसके बाद ये देखिए तो ये इस प्रकार से पीछे पल्ले की कटिंग हो चली है दोस्तों। अब सामने के पल्ले में चलते हैं, तो सामने के पल्ले में देखिए पीछे का आप भूल जाइए किस प्रकार से आपने रखा है। तो फोर डॉट जो ब्लाउज रहती है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, जो अपर चेस्ट है, जैसे मैंने यहाँ पर 38 इंच इसका अपर चेस्ट है, इसका चौथा भाग पीछे पल्ले हमने कुछ भी नहीं किया था, चौथा भाग होता है 9.5 इंच है ना, जितना है उतना लिया था, लेकिन सामने के पल्ले में अपर चेस्ट के चौथे भाग में 1 इंच ज्यादा कर देंगे ऐसे, ये देखिए ठीक है, ये हो गया पहला। अब चूंकि हमें देखिए पीछे का पल्ला ज्यादा काटे है ना, तो सामने का जो पल्ला है, सामने का शोल्डर सिर्फ इससे करीब 0.5 इंच से भी थोड़ा ज्यादा ये कम कटेगा, ध्यान रखिएगा ना, 0.5 इंच से थोड़ा ज्यादा कम कटेगा इस प्रकार से, अर्थात ये यहीं तक आएगी ऐसे,
इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने अब यहां पर देखिए इसको यहां तक छाप लीजिए, मैं थोड़ा सा टेक्निक बता रहा हूं, इसको ध्यान से रखिए, ये ऐसे ठीक है, यहां पर इसको ऐसे कर लिए। अब देखिए दोस्तों यहां पर सामने का गला हमें 6 इंच ओपन रखना है ना, 6 इंच ओपन रखना है, तो 6.5 इंच पर मतलब मार्किंग बाद में करेंगे, तो 6 इंच ओपन रखना है, तो शोल्डर के आधा में 1.25 इंच कम कर देंगे। शोल्डर इसका 15.5 इंच, तो 1.25 इंच कम करने पर देखिए यहां पर देखिए ऐसे इतना कम हो जाएगा ये ऐसे ठीक है। तब इसको क्या करना है, देखो यहां पर ध्यान से देखिए इसको क्या करना है, टेक्निक समझने की कोशिश कीजिए। ये देखो ऐसे इस प्रकार से थोड़ा सा हम इसको ऊपर चढ़ाएंगे, कितना 0.5 इंच से थोड़ा कम, उसके बाद इसको हम यहां पर ले आएंगे ऐसे ठीक है। इस प्रकार से हमने ऊपर चढ़ाया और उसके बाद देखिए इसको यहीं से छाप लेंगे। तो यहां पर देखिए एक गेप आता है, ये है टेक्निक नंबर 1, पहला टेक्निक है ये, जो इसमें यहां पर गेप आ गया, हमारा यहां कट आउट मिल गया। क्यों बिगड़ी गई भैया, इतनी आसानी से हम इसके इतने बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं, तो ये देखिए हमारा यहां पर ये थोड़ा सा ऊपर शोल्डर आ गया, ये इसकी टेक्निक है ठीक है। इसको सीखना चाहते हैं दोस्तों और डिटेल के साथ, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, इसको आपको हर साइज में आपको कटिंग कराने का रहता है। फिलहाल आपको मात्र 99 रुपीज में 18 तारीख से हमारी एक ट्रायल कोर्स शुरू हो रही है, 18 जुलाई से हो रही है, जिसमें आप एक हफ्ते ज्वाइन करके देख लीजिए कि हम किस प्रकार से डिटेल से बताते हैं। उसमें अगर आप नहीं सीख पाए तो आप मत ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन 99 रुपीज में एक बार टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद मेन कोर्स 1 अगस्त से शुरू होगी। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से ये हो गया, अब इसका काम हो जाता है खत्म। इसकी चौड़ाई कितनी दी हमने, जितनी चौड़ाई दी है उसको ऐसे कर लेते हैं ऐसे। अब इसके गले को गहराई दीजिए दोस्तों, 6.5 इंच इसका नेक डीप है ना, तो 6.5 इंच पर निशान लगाइए ऐसे। ये देखो गोलाई हो गई। अब देखिए यहां पर बस्ट का हाइट 14 इंच, किसका फोल्ड बस्ट है तो 14 इंच के लिए बस्ट का हाइट 10 इंच पर तैयार आएगा, 10.5 इंच पर इस प्रकार से हम निशान लगाएंगे। ये देखिए अब इसका 4 इंच बस्ट का जो सेंटर है 4 इंच पर आता है, 40 इंच का 10वां भाग लेते हैं। अब यहां से देखिए करीब 3 इंच नीचे, ये देखिए ऐसे सीधा खींच लो, अब इसके बाद इसमें जो डांट आता है, अगर डांट की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम इसका 2 इंच डांट आना चाहिए, अगर सही बस्ट का उभार बहुत परफेक्ट है, ज्यादा है उभार उभरा हुआ है तो 2 इंच है ना, लेकिन कॉमन रूप से उसमें देखिए ये कहां से आया 2 इंच, इसको हमने 4 किया, इसका 10वां भाग लिया 4 लिया, तो इसका जो और आधा करोगे तो 2 इंच, ये एक्चुअली में सबसे बेस्ट जो डांट बनेगी वो यही है। ये देखिए और कम चपटा है भैया, तो इसे 2 इंच में 1.25 कर दो, ये 10वें हिस्से के लिए मतलब 40 इंच चेस्ट के लिए बता रहा हूँ, और कम ज़्यादा है तो कम कर दीजिए है ना। इसको 2 इंच हमने डांट लिया, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पर भी 2 इंच दूरी पर, यहाँ से थोड़ा ऊपर है ना, यहाँ पर भी 2 इंच दूरी पर अंदाजे से भी लगा सकते हो, 2 इंच थोड़ा करीब हो यहाँ पर, और यहाँ पर भी ठीक ऊपर ऐसे, ये 4 डांट लग गई, सॉरी 1 डांट, ये दूसरा डांट है, तीसरा डांट कहाँ पर लगेगी, यहाँ पर, इसको 0.5 इंच से ज़्यादा मत दीजिए, बिल्कुल छोटा सा डांट रहता है ये, 0.5 इंच से यहाँ पर डांट ज़्यादा नहीं आती है ठीक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण डांट ये होता है, ये देखो यहाँ से, तो इसके इसको लगाने का एक तरीका होता है दोस्तों, इसका कमर कितना है, जैसे कमर हमें 34 इंच रखना है, तो देखिए नीचे का कमर 34 इंच है, ऊपर का कमर आपको थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, तो कैसे करोगे, इसको 34 इंच है तो इसको 4 से भाग दे दो, तो इसका 8.5 इंच इसका चौथा भाग आता है, तो 8.5 में थोड़ा सा ज्यादा 1.75 इंच, कैसे रखोगे इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए। कुछ लोगों को बहुत टिफिकल्ट लगेगी मुझे पता है, लेकिन वास्तविक में यह है दोस्तों कि ये परफेक्ट इस प्रकार से ही आती है, एक चीज को मैंने, तो इसको पहले नाप लीजिए आप ऊपर का हिस्सा, ये 3.25 आ रहा है, इस 3.25 इंच को आप यहां रखिए है ना। उसके बाद देखिए मैंने बताया ना, इसके चौथे भाग में थोड़ा सा ज्यादा, कितना है चौथा भाग, 8.5 हो गया, इसमें 1.75 इंच, ये थोड़ा सा ज्यादा लिया जाता है, उसके बाद इसको आप यहां से कर दो ऐसे ठीक है। और इसमें करीब 1 इंच ऊपर, 1 या 1.25 इंच ऊपर, 1 इंच जितना इसका बराबर है, देखो ये 6 इंच आ रहा है ना, ये 6 इंच ऐसे। ये होता है बेस्ट वे एक एक डांट को निकालने का।
ठीक है, पहला डांट, दूसरा डांट, तीसरा डांट, तो चपटा नहीं होता दोस्तों। तो इस प्रकार से आप इस लाइन को आगे खींच सकते हो। ये अब इसका कटिंग हो गया ऊपर का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई मार्जिन भी ऐड किया है, यहाँ पर थोड़ा मात्रा में। यहाँ पर देखो सिलाई मार्जिन ऐड किया है, उसके बाद इसको कटिंग करने के बाद इसको इस प्रकार से ये कर लिया है। बाकी बचता है इसका बेल्ट, बेल्ट की भी मैंने कटिंग कर ली है, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, मैंने कैमरा ऑन करना भूल गया, अक्सर ऐसी होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको इस प्रकार से रखिए। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे ब्लाउज की साइज बढ़ती है, बेल्ट की चौड़ाई कार्डी कम हो जाती है, है ना। खास तौर से ये देखिए इस प्रकार से इतना बचता है, तो लगभग 2 इंच का बेल्ट यहाँ पर आएगा। तो 2 इंच के बेल्ट कैसे कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 इंच का बेल्ट बनाना है, तो सॉरी 2 इंच का बेल्ट बनाना है, तो 3 इंच पर निशान लगाओ सबसे पहले। ये देखो 3 इंच पर निशान लगा दिया, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर देंगे ऐसे, और देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस प्रकार से तिरछा भी किया जाता है ऐसे। अब देखिए इसका कमर है 34 इंच, 34 इंच का चौथा भाग 8.5 इंच होता है, और यहाँ पर 2.5 इंच, मतलब कमर के चौथे भाग में हमने 2.5 इंच ऐड कर दिया, और ऐसे तो बेल्ट की कटिंग हो जाती है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल वे में। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसकी कटिंग हो गई है। अब देखिए इसी ब्लाउज को हम पफ एंगल की मदद से कैसे बनाएंगे, ठीक है, पफ एंगल की मदद से कैसे कटिंग करेंगे, बहुत ही आसान होता है। तो दोस्तों सरसरी तौर पर इस बुक के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों, इस बुक के अंदर, इस पफ एंगल के अंदर दोस्तों इस प्रकार से प्रिंटेड पेपर रहते हैं, जिसे मैंने इस प्रकार से कटिंग कर लिया है। देखिए ये कटोरी किट है, इसका भी आपको बता दूं, ए सीरीज होता है चार्ट में, और देखिए इस प्रकार से 4 डांट बनाने का रहता है, और कंप्लीट इस प्रकार से एक ऐसा किट है जिससे आप हर प्रकार के ब्लाउज को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके साथ में ये फ्रेंच कर्व भी आता है, जो कि आपके राउंड शेप देने में बढ़िया काम आती है। और इसका प्राइस है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका प्राइस 1249 रुपया है, लेकिन अभी मैं 300 रुपया का डिस्काउंट दे रहा हूं। अभी आप इसे मंगाते हैं तो ये 949 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप इसे अभी डिस्काउंट रेट में ऑर्डर करना चाहते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पर चल रहे हमारी वेबसाइट का जो पता है rupeshdevangan.com, उसमें से खरीद सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है वो हमारा कॉलिंग नंबर है, या फिर व्हाट्सअप नंबर, इसमें भी आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। ये ऑफर का जरूर आप उठाइए, 300 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ, और इसका आप उपयोग इसी यूट्यूब चैनल पर देखिए। मैं दोनों तरीके से आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा, सिंपल वे में भी और इस पफ एंगल के उपयोग से भी। ये सब इस प्रकार से फर्मे रहते हैं, जिसको आपको काटना पड़ेगा, है ना, आपको काटना पड़ेगा। उसी भी के तहत देखिए यहाँ पर देखिए एक ये फार्मूला आता है 4 डांट कटिंग करने का, उसी पफ एंगल के अंदर 4 डांट। देखिए यहाँ पर देखिए 36 से लेकर 40 इंच वाला फार्मूला है A4 का। तो देखिए दोस्तों A4 है, A2 है, तो एक्चुअली में A4 A1, अब यहाँ पर देखिएगा B4 ये क्या है। तो देखिए दोस्तों A1 जो रहता है उसकी डांट की चौड़ाई सबसे ज़्यादा रहती है, बी वाला में रहता है मतलब पफ इसका उभार ज़्यादा आता है, बी वाला में और कम आता है थोड़ा सा, है ना, और सी वाला जो रहता है वो बहुत कम आता है। 3 प्रकार के दिए रहते हैं, उसमें भी सबके साइज है। A4 मतलब 40 इंच का है, और यहाँ पर देखिए A3 है वो 36 इंच का है, अलग अलग इसमें नाप दिए गए। इसी प्रकार से पूरे कटोरियाँ इस प्रकार के जो पफ एंगल की मदद से आप दुनिया की लगभग हर प्रकार की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, जिसकी मैं कटिंग आप लोगों को इसी प्रकार से बताते जाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए इसकी मदद से मैं इस ब्लाउज को कैसे कटिंग करते हैं पढ़ता हूँ आगे। दोस्तों ये ब्लाउज भी आपका पफ एंगल की मदद से ही कटिंग हुआ है, और उसको सिंपल इसके अगले वीडियो में बताऊंगा इसकी कटिंग को। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल पहले वाला जो फार्मूला है सेम इसको अप्लाई करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है, इसमें हमें देखिए यहाँ पे चौड़ाई ध्यान रखनी, जितना चौड़ा है एक्स्ट्रा निकला हुआ है उतना ही आपको देखिए 1.25 इंच एक्स्ट्रा है, तो 1.25 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर मार्किंग कीजिए पहले। ये देखिए ऐसे, ये कुछ भाग शुरुआत के कुछ काम आपको सेम करने पड़ेंगे। 38 इंच इसका फुल बस्ट है दोस्तों, तो 38 का चौथा भाग कितना होता है 9.5 इंच, उसमें 1 इंच ज्यादा 10.5 इंच, जैसे हमने पहले किया वैसे ही करेंगे। आप देखते जाइए उसको मैं किस प्रकार से कर रहा हूं। तो
तो ये देखिए दोस्तों, यहां तक का हमने काम सेम टू सेम कर लिया। अब इसके बाद देखिए 10-10.5 इंच पर इसका बस्ट का हाइट लगाएंगे, ये देखिए ऐसे। अब इसके बाद यहां पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये देखिए इसको आप इस प्रकार से रखिए ये, और आपके सारे डांट ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। बस आप सिर्फ आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग, बस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सा पफ एंगल यूज करना है। किसी का बस्ट कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है, ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आप इसका डांट लगा लीजिए ऐसे ऐसे, ये देखिए। आप कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये देखिए ऐसे और ऐसे। ठीक है, अब यहां पर भी मैंने बताया ना, पहले जैसे नापने वाला सिस्टम है, 34 इंच इसका कमर है तो ये हिस्सा ज्यादा आता है, तो 34 का यहां पर इसको नाप लीजिए, सॉरी यहां पर थोड़ा छोड़कर नापिएगा ना, सिलाई मार्जिन नेट है तो यहां पर 3 इंच आ रहा है, ये 3 इंच को इस पर रखो और ये देखिए 9.25 यहां पर आ रहा है। ठीक है, इसका जो आधा इंच थोड़ा सा क्वार्टर इंच ज्यादा करने को बोला ना, ये थोड़ा ज्यादा यहां पर आ रहा है ये हिस्सा, और इसको हमें यहां से कितना है ये करीब 5.25 है, इसको यहां कर दो, ये देखिए ऐसे। ये देखिए आपका ये कट गया, तो तिरछा कट गया, और ये इसको ऐसे कर लो कटिंग, तो बहुत ही आसानी के साथ ये 4 डॉट भी कट जाती है, और परफेक्ट इस प्रकार से जो मैं फोटो दिखाया हूं उसी प्रकार से आप इसकी कटिंग करेंगे, बहुत ही शानदार रिजल्ट इसकी आती है। ठीक है, अब इसका भी गहरा खास थोड़ा करना पड़ता है हल्का सा, जो कि सिलाई करते करते होती है। अब इसका बेल्ट कटने का तरीका तो सेम है। एक तीसरा प्रोसेस दोस्तों, इसी ब्लाउज को हम अपने पैटर्न से कैसे इसको बनाते हैं उसको भी दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको सिलाई भी बता देता हूँ किस प्रकार से इसकी स्टिचिंग करनी होती है, बहुत ही आसान तरीका है स्टिचिंग करने का भी। दोस्तों ये जो ब्लाउज है मैंने इस पेपर पैटर्न की सहायता से बनाए हैं। ये जो ब्लाउज है दोस्तों, ये 4 डॉट 3 डॉट एंड बोट नेक, कॉलर नेक, ओपन नेक, दोस्तों ये ओपन नेक के पैटर्न है। जैसे यहाँ पर ये 36 साइज में बना हुआ है, और इसका जो प्राइस है एक साइज का 200 रुपया है, आठ साइज लेने पर ऐसे तो 900 रुपया लगता है दोस्तों, लेकिन अभी स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है ना, तो कोई भी पैटर्न पर आप लेंगे तो 200 रुपये खरीदी के अकॉर्डिंग है। तो जैसे आप 900 की खरीदी करते हैं तो 200 की छूट, 1500 की खरीदी करते हैं तो इस प्रकार से है। आप हमारी वेबसाइट में जाकर या फिर व्हाट्सअप नंबर के जरिए इंक्वायरी करके पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ब्लाउज इसी फर्मे से बना हुआ है और इतनी परफेक्ट फिटिंग आई हुई है, क्योंकि देखिए फर्मा भी हमने इस पफ एंगल बुक से बनाया है, अपने जो ये से बनाया हुआ है, बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको किया गया है। थोड़ा सा हम डिजाइनिंग का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं, तो आप सिलाई को देखते जाइए दोस्तों, सिलाई का काम क्या है आपको देखने का रहता है, किस प्रकार से इसको सिला जाता है आप इसे देखकर समझ सकते हैं। अगर पैटर्न ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर ये कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये ब्लाउज की कटिंग मैंने आपको बहुत ही विस्तार से पैटर्न से भी बताया, आपको इससे भी बताया पफ एंगल से, और इसको सीरियसली कैसे काटते बिना फर्मा के तो भी बताया। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सिलाई को जरूर देखिए किस प्रकार से इसको सिला गया है।